वहाँ अंदर अलग आरती हो रही है और बाहर अलग। बृहत महाकाली कांचघर परिवार, कांचघर की सेठानी। देखिए माता जी, ये माता है अपनी सरकारी कुआं नारायण प्रताप की। देखिए आप, दर्शन कीजिए माता के, खूबसूरत है, अच्छी माता बनाए। मोर के पंख कितने सारे माता ने पहने हैं। ओहो, ये काली जी का मंदिर है और भीड़ देखिए इस मंदिर में आप, बहुत भयानक भीड़ है, बहुत भयानक। जय माँ काली। आरती कंप्लीट हो चुकी है, अभी अभी कंप्लीट हुई है, उसलिए इतनी भीड़ लगी हुई है। बहुत प्यारी माता है यार, पूरे माता को गुड़हल के फूल से पूरा घेरा गया है, खड़े खड़े में देखिए पूरा फूल ही फूल है और माता के ऊपर पूरे नीम के पत्ते चढ़ाए गए हैं। बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत, इसी को बोलते हैं भक्ति। देखिए, जो भगवान को नहीं मानता है ना, उसको देखना चाहिए ये वीडियो। आप शेयर कीजिए यार, दिखाइए उनको, क्योंकि बिना इनकी मर्जी के ना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। देखिए एक और सजावट, पूरे मोहल्ले को ये लोग चमका दिए हैं यार। ऐसे बाकी के दिनों में इन रास्तों से आता हूँ तो एकदम उजड़ा चमन जैसा लगता है, ये सही बता रहा हूँ आपको। और आज देखिए क्या जबरदस्त माहौल हुआ है, माँ, ये सब कुछ हुआ है सिर्फ माँ के लिए। जय माता दी। ओ भाई, काली माँ, काली माँ, क्या जबरदस्त फिनिशिंग है मूर्ति की यार। देखिए 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 आप, बहुत प्यारी माता जी हैं यार। माता के ऊपर कंकाल है और फिर माता ने माला भी पहनी है कंकाल का, बहुत शानदार। लाइटनिंग भी अच्छी है यहाँ पे। ये जो महाकाली जी अभी आपके सामने हैं, ये हैं श्रृंगार वाली महाकाली जी। बहुत अच्छी फिनिशिंग है यार मूर्ति में, और जो माता का श्रृंगार हुआ है, माता ने असली सोना पहनी है। ओहो ओहो, शीतला माई मंदिर, देखिए क्या माहौल बना है यार। शीतला माई मंदिर में आरती हो रही है, महा आरती। वहाँ अंदर अलग आरती हो रही है और बाहर अलग। जय माँ काली। आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ माता की, क्या भीड़ है भाई। थोड़ा सा हम टाइम से मार खा गए यार, नहीं तो यहाँ की आरती कवर करना था मुझको। शिट, क्या करूँ यार, हर जगह ही तो कवर करना रहता है। बहुत सुंदर लग रही है माता अंदर, दूर है नहीं तो मैं आप लोगों के लिए फोटो खींचता। थोड़ा सा लेट हो गए हम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्या सजाए हैं, सबसे ऊपर देखिए माँ लिखे हैं वो लोग, कितनी ऊपर तक लाइट्स लगाए हैं यार, कितनी मेहनत लगती होगी। चलिए अब क्या कर सकते हैं, खेद ही कर सकते हैं, खेद के अलावा क्या है, कुछ नहीं है। टाइम हो रहा है अपना 8:55। हाँ जी, और थोड़ा पहले आए होते तो आरती मिल ही जाती। कई जगह आरती 8 बजे होती है, कहीं 8:30 बजे होती है, क्या कर सकते हैं। चलिए, सजावट आप देखते रहिए सिर्फ।
बोलो राम कहानी मैं गाऊं दीवानी की भज मोरे राम, बोलो राम कहानी मैं गाऊं दीवानी की भज मोरे राम। माता जी आपके लिए एक इमेज लेता हूँ ताकि आप भी अच्छे से दर्शन कर पाए। जय माता दी कीजिए, माता जी के दर्शन कीजिए आप। ना जाना मैं विसर्जन ही नम सुरे सुरम पर पूर्णम सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मेरे राम जी का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। राम राम जपते रहिए, उसलिए बोलता हूँ, उसलिए वो एक भी है कि उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपे थे, मरा 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 मरा, और उनकी तुलना हो गई थी ब्रह्मा जी से। चलिए मैं आपको और माता जी के दर्शन कराता हूँ। हे माता दी भक्तों का प्यार मांगती बोलो जय माता दी। बंगाली पैटर्न। चलिए मैं आप लोग के लिए तस्वीर ले लेता हूँ। यहाँ पे लोग सब्जी वब्जी काट रहे हैं, खाना मतलब शायद ये लोग का कुछ प्रोग्राम होगा यहाँ पे। चलिए 9 बजने वाला है, कांच घर आने वाला है। काली माँ यहाँ भी रखी हुई हैं, एक माता रोड के उस तरफ रखी हुई हैं। चलिए 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 मैं आपको दर्शन कराता हूँ माता के। ये लोग भी बहुत बाद में रखे हैं क्योंकि इस रूट पे मैं कई बार आ चुका हूँ, तब ये लोग सिर्फ सजावट ही करते थे। अभी जितने भी लोग घूम रहे हैं घर में कोई खाना बनाने वाला है नहीं, सारे लोग बाहर घूमेंगे और खाएंगे। कांच घर जी के आपको दर्शन कराते हैं। बृहत महाकाली कांचघर परिवार कीजिए आप दर्शन कीजिए। इस बार यहाँ पे कुछ दुर्घटना घट गई थी ना, उसलिए ये लोग छोटी काली जी रखे हैं, नहीं तो बहुत अच्छी काली जी रखते हैं। थैंक यू भैया। देख के थोड़ा सा दुख भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं देखा हूँ अक्सर बड़ी महाकाली जी रखते थे। कोई बात नहीं यार, देखिए सुख दुख तो जीवन का पड़ाव है, अब क्या कर सकते हैं। इस बार ये लोग रखे हैं छोटी काली जी, आई होप कि अगली बार ये लोग अच्छे धूमधाम से रखेंगे। काली जी अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। देखिए भीड़ यार, बहुत रिक्वेस्ट थी आप लोगों की भी और हम सभी लोगों की श्रद्धा जुड़ी है इन काली जी के साथ, तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार हमको यहाँ पे बड़ी महाकाली जी देखने ज़रूर मिले यार, ज़रूर मिले। जय महाकाली। अभी बगल में ही काली जी रखी थी और एक और गली है ये, कांचघर की सेठानी के नाम से यहाँ पे माता जी को रखा गया है। ओहो क्या बैकग्राउंड बनाए हैं यार, बहुत शानदार यार, माता के पीछे का बैकग्राउंड बहुत शानदार बनाए हैं ये लोग। गजब गजब गजब, जैसा हमने वहां पे देखा था ना छोटी उमती में बैकग्राउंड चेंज किए थे डिस्प्ले, वैसा सेम डिस्प्ले, मतलब सेम नहीं एक पैटर्न, उसी प्रकार का पैटर्न यहाँ भी लगाए। देखिए माता के पीछे डिस्प्ले लगा के ये लोग रखे हुए हैं, अच्छा सजाए भी हैं यार। मैं आपको माता जी के दर्शन कराता हूँ। माता जी शेर पे विराजमान है, कितनी क्यूट लग रही है यार, असल में छोटी मूर्ति है ना उसलिए। क्या बात है यार। बहुत अच्छा ये लोग पैटर्न बनाए, देखिए ये लोग यहाँ पे मस्त लग रहा है यार। ये कांच घर की सेठानी वाकई यार बहुत अच्छी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। अब देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, अब 9 बज गए हैं, हम लोग 6 बजे का निकले हैं घर से, उतने समय रास्ता यहीं से मैं गया था पूरा पूरा खाली था, अब भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हमको उस तरफ जाना पड़ेगा। एक और माता जी बैठी हुई है और यस अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हैं। ठीक है चलता हूँ ना भाई। हाँ हाँ अच्छे से लिया, चलता हूँ। देखिए मेला लगा हुआ है यार यहाँ पे, ये देखिए मेरे राइट में झूला लगा हुआ है और ये बच्चे उसपे ऊपर कूद रहे हैं बहुत तेज तेज, और यहाँ पे
बच्चों का खिलौना भी मिल रहा है सारा जो मेला में मिलता है। डमरू, पिपरिया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बस, कार, तलवार, गदा, हनुमान जी का, कछुआ, यही सब। हाँ तो देखिए, ये है अपनी मेन रोड, मेरे लेफ्ट में है कांचघर और यहाँ जाएंगे आप सीधा तो डीवी क्लब पड़ेगा और आगे जाएंगे तो सतपुला और रांझी आगे पड़ जाएगा इस तरफ। डीवी क्लब पे पहुंच चुके हैं हम और देखिए पूरे क्लब को ये लोग सजा दिए हैं और यहाँ पे पूरा मेला जैसा माहौल बना है। यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ रखी जाती हैं आपको पता होगा कि बंगाली मूर्तियाँ ही रखी जाती हैं और देखिए पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ। हम अंदर चलना तो है हमें, गाड़ी कहाँ लगाएं, कहीं जगह देख के लगाता हूँ गाड़ी उसके बाद चलता हूँ मैं अंदर। यहाँ लगा सकते हैं और देखिए यहाँ पे आपको जितने फेसेस मिलेंगे देखने, मैक्सिमम फेस हो सकता है कि बंगाली देखने ही मिले क्योंकि यहाँ पे बंगाली मूर्तियाँ रखी जाती हैं। कराता हूँ मैं आपको दर्शन, देखिए यार क्या सजावट है जबरदस्त। जो लोग बंगाल नहीं जा पाते हैं, कलकत्ता नहीं जा पाते हैं तो वो लोग यहीं आके बंगाली मूर्तियाँ देख सकते हैं और माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। भीड़ आप देखिए अब अंदर, यहाँ पे फोटो शूट भी चल रहा है यार। जबरदस्त आयोजन करते हैं ये लोग, कितनी सारी चेयर्स लगी हैं और मूर्ति केवल एक ही है और केवल एक मूर्ति देखने के लिए ही देखिए इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ मूर्ति। मंडप में प्रवेश करें बिना मास्क के, प्रवेश ना करें। आप से बार बार निवेदन हम कर रहे हैं, कोरोना का नियम आप पालन कीजिए, बिना मास्क के अंदर प्रवेश मत कीजिए। जो भी अंदर बिना मास्क के पाए जाएगा वो लाइट्स, ये देखिए आर्टिस्ट लोग, ये लोग तैयार हुए हैं शायद, यहाँ पे ये लोग आयोजन करेंगे डांस का या गाने का। वाह जोरदार जोरदार जोरदार, सारा कलकत्ता बैठा हुआ है यहाँ पे। अभी भी लोग आ रहे हैं और जो अंदर हैं उनमें से कोई बाहर जा नहीं रहा है लेकिन सारे लोग अंदर आ रहे हैं। टाइम आपको बताऊं मैं, 9:21 हो रहा है और लोग बहुत कम बाहर निकल रहे हैं लेकिन रेशो ज्यादा है अंदर जाने वालों का क्योंकि अभी लोग खा पी के बढ़िया घर से निकले होंगे और अब तो घूमेंगे वो लोग। एक माता जी यहीं बगल में बैठी हुई हैं, चलिए मैं आपको वो माता जी के भी दर्शन करा ही देता हूँ। कैमरे की बैटरी अब सिर्फ बची है 13%, अभी बताइए 9:15 हो रहा है और बैटरी खत्म हो गई। अभी अगर मैं चाहूँ भी वीडियो शूट करना तो नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है अब आज के लिए इतना काफी है। मिलूंगा अगले वीडियो में, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी जबलपुरी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और क्या खूबसूरती है यार डीवी क्लब की, मिलता हूँ अगले वीडियो में, मिलो। आप यूट्यूबर हो? हाँ भाई।